बियॉन्ड का केबल, बियॉन्ड दी केबल, वो उसके राइट पैराग्राफ के बीच में कर सकते हैं वो उसको यूज। बियॉन्ड एनी केबल, बियॉन्ड, यस, बियॉन्ड दी केबल जो हम स्टार्टिंग में करते हैं एनालिटिकल स्पीकिंग, किसी पैराग्राफ के बीच में कर सकते हैं। कहीं पे भी इसका मतलब होता है अनडाउटेडली, हाँ जी, नो नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट लाइक, अनडाउटेडली, अनडिनाइबल फैक्ट, इस सेंस में यूज होता है। चलें जी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का दिन है हमारा डे 4 और अभी तक जो हमारे साथ हैं गुरजीत साहब हैं, गुरजीत साहब के बाद हिना हैं, हिना के साथ जवाद साहब हैं, जवाद सरफराज सऊदी अरब से हैं, काशिफ हैं सऊदी अरब से, मदीहा हैं, उसके बाद मुइजुद्दीन साहब भी सऊदी अरब से हैं, मेहरान साहब हैं, मेहरान हुसैन मुदस्सर हैं, और मोहम्मद फहद हैं, जुलकनैन सुहेल हैं। ठीक है चलें जी स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो वहां पे हमारे पास आती है ब्रिक्स। आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हम 8777 के लिए अप्लाई, हमने एक दफा पेपर दिया, दूसरी दफा पेपर दिया, लेकिन वी कुडंट स्कोर 8777 बैंड्स। और एक बड़ी अक्सरियत जो कि 8777 बैंड स्कोर नहीं कर सकती बार बार प्रैक्टिस करने के बावजूद, वो बड़ी जो अक्सरियत है बेसिकली, उसमें एक मेन रीजन जो सी है वो राइटिंग की है। अभी तक राइटिंग में हमने कुछ डिस्कस नहीं किया। मैंने रीडिंग के बारे में आपको एक्सटेंसिव किस्म का लेक्चर दिया, उसके बाद लिसनिंग की कल बात हुई। आज जो है हमारा पहला लेक्चर है राइटिंग के ऊपर, तो बात ही करते हैं जिस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। अच्छा कुछ लोग होंगे जिनको आज का लेक्चर कुछ आइडिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आपको लाजमी नहीं इसमें सीखने को मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि विद इन 3-4 डेज, नेक्स्ट वीक के एंड तक हम लोग काफी ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, काफी ज्यादा आगे चले जाएंगे, काफी ज्यादा एडवांस चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी फॉर द टाइम मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को बिल्कुल बेस से हम स्टार्ट करेंगे। नो नीड टू बी वरी अबाउट दिस थिंग, ग्रेजुअली यू विल सी कि हम आहिस्ता आहिस्ता इतने एडवांस हो जाएंगे कि फिर आपको हमारी मतलब पेस पिक करना हो जाए, यू कैन इजीली डू दैट। बट द थिंग इज, बट यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया व्हाट वी आर डूइंग। तो सबसे पहले बात करते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी जबान का जो सबसे छोटा यूनिट होता है इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है जी, वेन एवर वी स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डेवेलप आवर वोकैबुलरी, राइट। एक बच्चा बोलना सीखता है तो सबसे पहले वोकैबुलरी की बात आती है, नेजल साउंड्स, मामा बाबा, बाइलेबियल साउंड्स, फिर नेजल साउंड्स, फिर उसके बाद फर्दर साउंड्स प्रोड्यूस करता है, और साउंड्स प्रोड्यूस करने के बाद वर्ड्स बोलना शुरू करता है। किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं, और उससे आप मिलाते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वी गेट सम मीनिंग। तो अगर अंग्रेजी जबान में भी सात वैसे, अच्छा दूसरी वो चीज है कि जो डेफिनेशन मैं आज आपको दूंगा या आज के बाद दूंगा वो सारी आइल्स के परस्पेक्टिव से है। आइल्स में जब आप 7.5-8 बैंड स्कोर करना चाह रहे हैं, अच्छे स्कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आपको इन चीजों के बारे में, जिन चीजों की जरूरत होगी, हमारी अंग्रेजी जबान की जो डेफिनेशंस हैं या उनकी एक्सप्लेनेशंस उसके मुताबिक होंगी। अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में लें तो शायद मुझे आपको 5-6-7 दिन लग जाए वर्ड के बारे में पढ़ाते हुए कि वर्ड कैसे डेवलप होते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन जितनी आइल्स में जरूरत है हम सिर्फ उतना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड वर्ड।
और देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ वर्ड्स, देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ वर्ड्स। अगर आपको इन वर्ड्स की टाइप्स का पता लग जाए और इनकी पोजीशंस का पता लग जाए तो यू कैन बिल्ड फुल स्ट्रक्चर। आप वर्ड ऑर्डर सही कर सकते हैं अपना। एक हमारी मिस्टेक होती है, दैट इज रिगार्डिंग वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर की जो मिस्टेक है वो इस वजह से पता होती है कि हमें बेसिकली वर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सात तरह के जो अल्फाज हैं उनके इर्द गिर्द पूरी इंग्लिश लैंग्वेज घूम रही है। तो वो अल्फाज कौन से हैं जरा हमें देखते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। नंबर वन इज, मैंने आपको पुकारना है गुरजीत, हिना, जवाद, नाम लूंगा कोई ना कोई, टेबल, चेयर, लैपटॉप। अभी जो नाम है बेसिकली किसी ना किसी चीज को, किसी फिलॉसफी को, किसी रिलीजन को, किसी फिजिकल चीज को हम एक नाम दे देते हैं, और ये जो नाम होता है दिस इज कॉल्ड नाउन। तो जो पहली चीज है दैट इज नेम। अच्छा, अब ये जो नेम है ये इसमें भी दो तरह के, मिसाल के तौर पे अब ये समझें कि कोई चीज ऐसी है जो कि किसी चीज को मुतहरिक कर देती है। मिसाल के तौर पे हम उसे एनिमेटेड कहते हैं, और कुछ होती है, कुछ चीजें होती हैं जो खुद मुतहरिक हो जाती हैं लेकिन किसी दूसरी चीज को मुतहरिक नहीं कर सकती। अच्छा, अब ये जो नाम और नाउन है बेसिकली, जब कोई नाम, व्हेन समथिंग प्रोड्यूसेस एन एक्शन, एक चीज किसी दूसरी चीज को मुतहरिक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू दैट यहां पे है चाइल्ड हिट्स द फुटबॉल। अब फुटबॉल भी एक चीज का नाम है और चाइल्ड भी एक चीज का नाम है, सो वी हैव टू डिफरेंट थिंग्स, चाइल्ड एंड फुटबॉल। अच्छा, अब फुटबॉल जो है बेसिकली इसको मुतहरिक करने के लिए चाइल्ड की हम लोग बात करते हैं। तो नाम के बाद एक और चीज होती है मुतहरिक करना, याद रखिएगा। तो जो चीज मुतहरिक करती है, अब यहां पे मैं ये बताना चाह रहा था कि बेसिकली दिस इज नाउन, चाइल्ड इज नाउन, लेकिन ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। चाइल्ड जो सा ये नाउन है लेकिन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और फुटबॉल भी एक नाउन है जो कि ये एक्शन इस पे परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसा नाउन जो कि किसी चीज को मुतहरिक कर दे, किसी चीज के अंदर हरकत पैदा कर दे, किसी चीज को कोई मूवमेंट पैदा कर दे, कोई भी काम करने वाला नाउन जो सा है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ये जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग कि नाउन में हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर काम हो रहा है, मिसाल फुटबॉल पे दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अभी फॉर द टाइम ये दो चीजें याद रखें कि है दोनों नाउन, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, लेकिन फॉर द टाइम यू नीड टू रिमेम्बर कि नाउन इज इक्वल टू नेम, किसी भी चीज का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। सेकेंड थिंग इज एक्शन। एक्शन, अब एक्शन इज इक्वल टू वर्ब। एक्शन जो सी है वो वर्ब है। जब हम कोई काम करने लगे तो कोई एक नाउन किसी दूसरे को जब कोई मूवमेंट पैदा करता है तो वो जो एक्शन होता है, वो जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड वर्ब। मिसाल के तौर पे हमारे पास वर्ब है प्लेज, हिट्स, फॉल्स। बेसिकली प्ले है वर्ड, इसमें अगर हम टेंस बनाते हैं देन वी यूज इट, हिट्स एंड कॉल। मैं फिर बताता जाऊं कि दिस इज द बिगिनिंग, जो अभी हम कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग है, और आप देखते देखते हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एडवांस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे, हमारा वर्ड से लेसन स्टार्ट हुआ है, और जब आप लॉन्ग सेंटेंसेस देखेंगे तो हमारे जुमले जो से तीन तीन चार चार लाइन्स पे चले जाएंगे बट विद सम लॉजिक। तो आपने उस लॉजिक को समझना है, उस लॉजिक को समझाने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको ये अपनी आंसर्स को डेवलप करना है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी। ठीक हूँ सर, बिल्कुल। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर फराज, ये ना अभी लेसन के बाद मैं 10-15 मिनट लूंगा सर फिजान से, और आप लोगों के आंसर्स को लाइव डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा सर। जी जी जी,
अच्छा जी, उसके बाद एक्शन हो गया, एक्शन के बाद हमने ये बातें कर ली। अब याद रखिएगा कि एक सेंटेंस में दो मेजर पार्ट होते हैं, किसी भी एक सेंटेंस में दो मेजर पार्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड एनपी नाउन और दूसरा जो मेजर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड वर्ब। आपके 95% जो सेंटेंसेस हैं वो इन दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक नाउन और एक वर्ब, ये होना जरूरी है समझे इस तरीके से। 90-95% सेंटेंसेस के अंदर ये आपके दो चीजें होनी चाहिए। अच्छा, यहां पे यूं समझें कि नाउन जो सा है और ये वर्ब है, इसके दरमियान में एक बॉर्डर लगा हुआ। अच्छा, अब ये जो नाउन है इसके साथ कोई चीजें, दो चीजें हम लोग लिखेंगे। मिसाल के तौर पे एक इसके साथ एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव किसके साथ आएगा, नाउन के साथ, और दूसरी जो चीज आएगी और उधर वर्ब के साथ आएगा एडवर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको डेफिनेशंस दे रहा हूं वो सिर्फ आइल्स के परस्पेक्टिव में है, यानी कि अगर आप सिर्फ इतनी ग्रामर सीखें तो यू कैन इजीली स्कोर 9 बैंड इन ग्रामर सेक्शन। आइल्स के अंदर चार क्राइटेरियाज हैं, राइटिंग के अंदर रिस्पॉन्स है, कोहेजन कोहेरेंस है, लेक्सिकल रिसोर्सेज एंड फोर्थ ग्रामर। तो ये जो चीज हम सीख रहे हैं दिस इज सफिशियंट इनफ फॉर योर ग्रामर, राइट, फॉर योर स्ट्रक्चर, सो नो नीड टू बी वरी अबाउट दैट। सो फर्स्ट थिंग इज एडजेक्टिव आई टोल्ड यू, एंड देन सेकेंड इज नाउन। अब ये एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है? एडजेक्टिव है तारीफें करने वाला, खूबियां बयान करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, एक नाउन मैंने लिखा चाइल्ड, अगर नाउन है चाइल्ड, अगर नाउन है बस, अगर नाउन है कार, अगर नाउन है बिल्डिंग, अगर नाउन है स्टोरी, अगर नाउन है बुक, इससे पीछे चाइल्ड की जगह पे मैं लिखता हूं स्मार्ट चाइल्ड, बस की जगह पे मैं लिखता हूं बिग बस, कार की जगह पे मैं कहता हूं ब्यूटीफुल कार, और बिल्डिंग की जगह पे मैं लिखता हूं ह्यूज बिल्डिंग, स्टोरी की जगह पे मैं कहता हूं गुड स्टोरी, और बुक की जगह पे मैं कहता हूं लेट्स सपोज आई विल से स्मॉल बुक। अब ये सारे वर्ड्स, चाहे स्मार्ट है, चाहे बिग है, चाहे ब्यूटीफुल है, चाहे ह्यूज है, गुड है, ये सारे अपने से आगे जो वर्ड है उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो नाउन के साथ जो चीज लगी हुई है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का फंक्शन, एडजेक्टिव कभी भी वर्ब के साथ नहीं आएगा, एडजेक्टिव कभी भी एडवर्ब के साथ नहीं आएगा, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा, नाउन से पहले नाउन के साथ आएगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, तो हम एडजेक्टिव के बारे में क्या लिखेंगे जहां पे हम डेफिनेशन कर रहे थे। जी थोड़ा सा मैं दोबारा बताता हूँ आपको। आई टोल्ड यू बेसिकली कि नाउन इज नेम, और नाउन के बाद जो दूसरी चीज है वर्ब इज इक्वल टू एक्शन। तो जो नाउन की तारीफें कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की क्या है जी, क्वालिटी ऑफ नाउन। बस इसको आपने इस तरह ध्यान में रखना है। अच्छा, तीसरी जो चीज है, अब वर्ब की भी तो क्वालिटी बताते ना, तो हम करते हैं ऐड। ऐड का मतलब होता है जमा करना, किसमें, वर्ब के अंदर जमा करना, और उसको हम कहेंगे एडवर्ब। जो है बेसिकली वो बताता है हमें क्वालिटी ऑफ वर्ब, क्वालिटी ऑफ वर्ब, यानी कि अब वर्ब के बारे में, अब वर्ब क्या था, रन, और रन के साथ आ गया फास्ट, अब फास्ट है एडवर्ब। वर्क, वर्क के साथ क्या आ गया, हार्ड, वर्क है वर्ब और हार्ड दिस इज एडवर्ब, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ रन फास्ट, वर्क हार्ड, वर्क
एक और इसकी जो निशानी होती है वो ली लगता है। अच्छा जी, रीच्ड स्विफ्टली। सो ये तो यहां पे हमारे पास ये एडवर्ब के साथ आ गया। दिस इज बेसिकली आई टोल्ड यू दैट नाउन, और नाउन के बाद ये हमारे पास आ जाता है। अब हम मजीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहां पे हमारे पास आ गया ब्यूटिफुल यंग गर्ल। अब ये दो एडजेक्टिव, एक नाउन से पीछे हमारे पास दो पोजीशन है एडजेक्टिव लगाने की, एक ये और एक ये, दो भी एडजेक्टिव लग सकते हैं, तीन नहीं लगेंगे, मैक्सिमम दो एडजेक्टिव और एक एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं। अब एक और चीज है जो कि इसी के साथ आएगी, वो है आर्टिकल। आर्टिकल हमारे पास ए एन द और उसके साथ जीरो, ये चार आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ए एन द जीरो। अच्छा, ये जो आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर होगा हमारा इंशाल्लाह, इन कमिंग डेज यू विल सी आर्टिकल के ऊपर एक लेक्चर होगा। लेकिन आर्टिकल और एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी, मैं यहां पे बता देता हूं आपको, आर्टिकल ए एन द और जीरो, इसको ज़हन में रखिएगा, ये चार आर्टिकल्स हैं और इनकी पोजीशंस ये है कि ये तीन चीजें मिलेंगी तो ये दिस इज कॉल्ड एनपी, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, आगे चल के हमने फ्रेज की बात करनी है, आगे चल के हमने ओपनिंग फ्रेजेस की बात करनी है, आगे चल के हमने क्लॉजेस की बात करनी है, हमने डिपेंडेंट क्लॉज की बात करनी है, हमने कंजंक्शंस की बात करनी है, लेकिन उन सब को समझने के लिए इस चीज को समझना जरूरी है। तो फ्रेज क्या चीज है, अब इस पे हम आते हैं। लेकिन नाउन फ्रेज, उसके अंदर ये तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। नाउन फ्रेज में कॉम्बिनेशन वन या पॉसिबिलिटी वन, नाउन फ्रेज में खाली नाउन हो सकता है। नंबर वन, नाउन फ्रेज में खाली नाउन हो सकता है। नाउन फ्रेज में एक आर्टिकल और एक नाउन भी हो सकता है। नाउन फ्रेज में एक आर्टिकल और एक ए एन द में से कोई आर्टिकल, उसके साथ हम लोग एडजेक्टिव और उसके साथ एक और भी एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव हो सकता है और एक नाउन हो सकता है। और नाउन फ्रेज में एक आर्टिकल, एडजेक्टिव वन, एडजेक्टिव टू और नाउन, ये चार पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। सिंगल नाउन, एक नाउन और एक आर्टिकल और ये। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को याद रखने के लिए हम लोग कहते हैं एनपी, नाउन फ्रेज इज बेसिकली एनपी। एनपी ये याद रखिए। अच्छा, अब एक जब हम किसी सेंटेंस की बात करते हैं, उस सेंटेंस के अंदर कुछ चीजें हैं विच यू नीड टू रिमेम्बर, कि एक हमारे पास एनपी होता है और एक हमारे पास वीपी होता है। वीपी क्या होता है? वर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर एनपी प्लस वीपी। अस्सलाम वालेकुम। जी, हाफिज।
अच्छा जी, एक सेंटेंस के अंदर ये दो कम्बिनेशन है। अब नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज की हम बात कर रहे थे, तो वर्ब फ्रेज में एक सेंटेंस आ गया। अब इसमें एक छोटा सा सादा सा हम जुमला बोलते हैं, मैं कहता हूं द स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय। नाउ यू कैन सी दिस इज फर्स्ट वन इज आर्टिकल, सेकेंड इज एडजेक्टिव एंड थर्ड वन इज नाउन। अच्छा, कॉल्स द पुलिस, छोटे बच्चे ने क्या किया, पुलिस को आवाज दी। या यहां पे मैं बताता हूं बेसिकली, इसको भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ जस्ट सी दिस, द स्मार्ट बॉय प्लेज हार्ड, स्मार्ट बॉय वर्क्स हार्ड, कर ले इसको। अच्छा, अब अगर इफ यू विल सी द एग्जाम्पल देन यू विल अंडरस्टैंड के इसको कुछ इस तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए कि एक सेंटेंस के टू पार्ट्स, नंबर वन एनपी, सेकेंड इज वीपी। एनपी के अंदर ये आर्टिकल, दिस वन पहला आर्टिकल, ये एडजेक्टिव, और ये एनपी के अंदर दिस इज नाउन। वर्ब फ्रेज में एक वर्ब होगा और उसके साथ एडवर्ब होगा, दिस इज, ये दो कंबिनेशन है वर्ब एंड एडवर्ब के। तो द स्मार्ट बॉयज वर्क्स हार्ड। नाउ यू विल सी, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो जो मैंने नीचे एग्जांपल दी थी आपको, तो दिस इज कॉल्ड ट्री डायग्राम ऑफ अ सेंटेंस। जी, यहां भी हमारे पास सेंटेंस आ गया और उस सेंटेंस के अंदर दिस इज एनपी और उसके बाद वीपी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास वीपी के अंदर दोबारा फिर वी हैव वीपी और वीपी के बाद फिर एनपी। जरा थोड़ा सा देखिएगा, अच्छा जी, नाउ यू विल सी, जो सेंटेंस होगा बेसिकली उसके साथ एनपी आ गया, एनपी के साथ ये दिस इज वीपी। अब दिस इज आर्टिकल, ये जो पहला है ये आर्टिकल हो गया लेट सपोज, और आर्टिकल के बाद आगे हमारे पास सेकंड इज, ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद ये जो थर्ड वन है दिस इज नाउन हो गया। अभी वर्ब फ्रेज में से सिंपल वर्ब आया और ये जो वर्ब है ये है, और वर्ब फ्रेज के साथ एक नाउन फ्रेज है, और उस नाउन फ्रेज में दोबारा वो चीजें आर्टिकल और आर्टिकल के साथ नाउन। तो ये एक ट्री डायग्राम है किसी भी सेंटेंस की, एक सिंपल सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से डेवलप करते हैं। तो अब हमें पता लग गया कि आर्टिकल्स और एडजेक्टिव और बॉय ये तीनों इकट्ठे आएंगे, कभी भी एडजेक्टिव वर्ब के साथ नहीं जाएगा कभी भी, और वर्ब के साथ एडवर्ब हुआ करेगा, वर्ब के साथ एडवर्ब। और ये जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज आप किस कम्बिनेशन के साथ लिख रहे हैं। अगर आपके कम्बिनेशन खराब होंगे तो आपका वर्ड ऑर्डर का इश्यू आ जाएगा, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है आइल्स की राइटिंग में, और उसमें आपको 6.5 से कभी भी ऊपर स्कोर नहीं जाने देते अगर आपका वर्ड ऑर्डर का इश्यू आ रहा होता है। मजीद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो अभी तक जो डिस्कशन हुई, नाउन था नेम, एडजेक्टिव था आपका क्वालिटी ऑफ नाउन, वर्ब था
एक्शन, एडवर्ब, क्वालिटी ऑफ वर्ब, और यहां पे एक और ऊपर चीज आई, आर्टिकल। आर्टिकल था हमारे पास चार तरह के आर्टिकल्स, ए, एन, द और जीरो। उसके बाद अब एक चीज आती है विच इज कॉल्ड कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन क्या चीज है? कंजंक्शन होती है एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ जोड़ना हो, जब हमने कंकैटिनेट करना है तो फिर हमने कंजंक्शन इस्तेमाल करनी है। ये नंबर वन। अच्छा जी, यहां पे आएगी कंजंक्शन। बाउल बाउल बाउ, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसके आधे पौने घंटे बाद सुबह मिल लेना उसे। मैंने खाना खाना नहीं कहने। अच्छा जी, फ्रेज है, कंजंक्शन है, फ्रेज है, और उसके बाद दूसरा ये है कि आपका एक फ्रेज, एक सेंटेंस। अच्छा, थोड़ी सी चीजें मैं अब आपको बता दूं यहाँ पे मजीद, कि एक सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सेंटेंस के अंदर दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा। और एक फ्रेज जो होता है, बेसिकली फ्रेज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। विच gives us some meaning, और जो sentence होता है उसको हम clause भी कहते हैं। एक clause आमतौर पर समझने के लिए इसको हम कहेंगे sentence। कल हमारी लंबी छोटी discussion next period में clauses के ऊपर होगी। अच्छा, एक sentence के अंदर दो चीजें हैं, एक तो subject part है, जिसके अंदर आमतौर पर subject part के अंदर क्या होता है, NP, नाउन फ्रेज, और नाउन फ्रेज के अलावा इसके अंदर एक होता है प्रेडिकेट, और उसके अंदर होता है वीपी, वर्ब फ्रेज। ये दो चीजें आपने ज़हन में रखनी है। इसमें एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में एक फ्रेज होता है, यानी दो फ्रेजेस, नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं आमतौर पर। यानी 90% ये इसी तरह ही है कि जी क्लॉज और सेंटेंस मिलेंगे तो एक, सॉरी, क्लॉज और सेंटेंस एक ही बात है, क्लॉज और सेंटेंस एक बात है, एक सिंपल सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक चीज है, आपने ये ज़हन में रखना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो चीजें लाजमी होती हैं एक सेंटेंस के अंदर, लेकिन फ्रेज में ये नहीं होती। फ्रेज खाली या तो उसमें नाउन वाला पार्ट होता है या सारे खाली उसके अंदर वर्ब वाला पार्ट होता है, ये दोनों चीजों का उसमें फ्रेज में नहीं होता। क्लॉज के अंदर या सेंटेंस के अंदर एक नाउन वाला पार्ट भी होगा और एक वर्ब वाला पार्ट भी होगा। ये कैसे होंगे, इस पर डिटेल डिस्कशन होगी, उसके लिए आप परेशान ना हो, लेकिन अभी चूंकि हम लोग वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम यही बात करेंगे। तो यहाँ पे कंजंक्शन जो है इसकी दो किस्में हैं, सिर्फ आपने अभी ये ज़हन में रखना है कंजंक्शन होता क्या है, एंड और येट, सो, हाउएवर, मोर ओवर, इस तरह के वर्ड जो से हैं सारे कंजंक्शंस कहलाते हैं। और बिकॉज, बट, ऑल्दो, ये सारे कंजंक्शन हैं। इसकी टाइप्स कितनी है, टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और नंबर टू इज सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है जी, ये दो पार्ट्स हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट। सिर्फ आप ये याद रखें फॉर द टाइम कि ये चीजें हैं, इनका फंक्शन क्या है कि एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से मिलाएंगी या फिर
एक फ्रेज और एक कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज हो जाएगी, या फिर एक क्लॉज और उसके बाद हम लोग एक और क्लॉज हो जाएगी। ये एंड बट और येट वगैरह दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, लेकिन जब ये मिलते हैं तो इसमें डिफरेंट किस्म की ग्रामर के जो उनसे ना एस्पेक्ट्स वो अप्लाई होते हैं। वो जैसे जैसे हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे जाएंगे तो ये सारी चीजें आपसे डिस्कस होंगी। इसके बारे में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि कंजंक्शन क्या है, और कंजंक्शन ये है कि एंड येट वगैरह ये, तो ये दो चीजों को हम लोग जोड़ते हैं इसमें। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, आसिफ एंड हिज सिस्टर वर गोइंग टू द सुपरमार्केट। ये अब ये देखें, आसिफ और उसके साथ ये जो एंड है, दिस इज कंजंक्शन, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, अब ये पूरा सेंटेंस, ये आसिफ एक फ्रेज है क्योंकि इसमें खाली एक नाउन है, और आसिफ के साथ हिज सिस्टर ये भी एक फ्रेज है, और ये जो पार्ट है ये वाला, ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, प्रेडिकेट ये आगे है। ये दो चीजों को मिला रहा है, आसिफ एंड हिज सिस्टर। ये एंड का फंक्शन यहाँ पे ये है, और एंड का फंक्शन और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर यूजिंग फेसबुक जी, दीज, ये मैं ना लिखूं, पहले सादा रहने दो। मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर यूजिंग फेसबुक बट बिकॉज बट मैनी पेरेंट्स आर अगेंस्ट दिस एक्टिविटी। अब यहां पे देखें, यहां पे मोर एंड मोर चिल्ड्रन आर यूजिंग फेसबुक, ये पूरा सेंटेंस है यहां से यहां तक, या फिर मैं यहां पे लिखूं, ये एक पूरा सेंटेंस है, और उसके साथ ये वाला भी एक पूरा सेंटेंस है। तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ताला, कंपाउंड सेंटेंसेस के ऊपर, और ये दरमियान में बटा रहा है, यहां से पहले कॉमा लगेगा। अब इससे पहले कॉमा क्यों लगेगा और आगे क्यों है, तो इट वी विल डिस्कस इंशाल्लाह इन कमिंग डेज, अगले 2 से 3 दिनों में इन चीजों पर डिस्कशन हो जाएंगी। लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि कंजंक्शन जो सी है ये है एंड वगैरह। तो अब तक हम उसके अलावा फिर हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की जी। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हमें बताती है डायरेक्शन। मिसाल के तौर पे अप डाउन, साइड साइड, अंडर बिलो, ये सारी की सारी, टू फॉर ऑन इन, ये सारी की सारी प्रेपोजिशंस हैं। और आखिरी जो वर्ड है दैट इज जी, हमारे पास हो गया नाउन, हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, हमारे पास हो गया वर्ब, हमारे पास हो गया एडवर्ब, हमारे पास हो गया आर्टिकल, हमारे पास 1 2 3 4 5, हमारे पास हो गया कंजंक्शन 6, और हमारे पास हो गया प्रेपोजिशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो इन 7 अल्फाज पे बन के खड़ा हुआ होता है, और इन्हीं 7 अल्फाज से हम ला के अब आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक
और वो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बहुत जरूरी हैं अगर आपने यू आर सीकिंग 8 बैंड 9 बैंड इन ग्रामर, ठीक है। तो और भी काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसके अंदर आएंगी एंड यू विल लर्न ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट दिस इज व्हाट जो भी अभी तक मैंने डिस्कस किया ये है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुतल्लिक। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दिस इज व्हाट, ये वर्ड से मुतल्लिक है। तो वर्ड की बात अब खत्म होती है, नेक्स्ट इसके ऊपर बात आएगी, अब हम लोग सेंटेंसेस पे जाएंगे और सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंसेस और क्लॉजेस की डिस्कशन होगी। ये चीज हमारी अब कल वाले लेक्चर में होगी, नेक्स्ट जो हमारे मंडे को लेक्चर होगा उसके ऊपर। अभी तक किसी को अगर इसमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझसे पूछें, अदरवाइज फिर मैं आपसे पूछूंगा। सर प्रेपोजिशन की कोई एग्जांपल दे दें। सर ये ट्री थोड़ा सा बता दीजिएगा दोबारा, ट्री टू जो है ना ये प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन डायरेक्शन बताते, इन ऑन अंडर बिलो टू साइड साइड बिसाइड, ये सारे प्रेपोजिशन हैं जो डायरेक्शन बताएंगे, वो जा रहा है किधर जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है, वो उसके नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, वो उसके ऊपर उड़ रहा है, वो दरख्तों में बैठा हुआ है, तो ये जो में ऊपर नीचे आगे पीछे ये सारे के सारे वर्ड्स प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। जी दूसरा क्वेश्चन सर, ये ट्री जो है थोड़ा सा ये लिंग्विस्टिक्स के अंदर ना ट्री डायग्राम मैंने बनाई थी बेसिकली, थोड़ा सा अगर ये बता दें दोबारा। सर आपने एक टर्म यूज की थी प्रेडिकेट, काइंडली उसका मीनिंग बता दीजिए। ये देखें जी ये डिफरेंट ट्री डायग्राम्स हैं, अच्छा इसके ऊपर ना काफी काफी इन डेप्थ चीजें हमारी, ये एनपीवीपी ये सारी चीजें, इसमें से सिर्फ मैंने आपको इतना बताने की कोशिश की है कि आपने ये ध्यान में ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट पार्ट आएगा। सब्जेक्ट वो नाउन है जो किसी काम को स्टार्ट कर सकता है, और उसके साथ जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर आएगा एनपी, यानी सब्जेक्ट में लाजमी एनपी होगा और कुछ भी नहीं होगा, सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन फ्रेज होगा। और नाउन फ्रेज उनसे वो तीन चार चीजों से मिलके बनता है, या तो हम आर्टिकल लिखेंगे और उसके साथ खाली नाउन आएगा, आर्टिकल लाजमी आएगा, आर्टिकल के बगैर कभी भी नाउन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं कहता हूं ना कि बॉय तो ये गलत जवाब है, मैं कहता हूं कि अगर मैं कहता हूं बॉय इज रनिंग तो ये खत ये रॉन्ग है, या तो होगा अ बॉय इज रनिंग और या होगा द बॉय इज रनिंग। अच्छा खाली बॉयज रनिंग यहाँ पे मिसिंग है एक आर्टिकल इस जगह पे, वो आर्टिकल आपने जरूर लिखना है। इसके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर है 1 घंटे का। दूसरा ये कि अब एक है आर्टिकल, यानी कि ये जो पार्ट है किसी भी जुमले में ये जहां पे अब बॉय खत्म हुआ इज रनिंग, ये आगे बाद वाला पार्ट है, ये जो बाद वाला पार्ट है ये प्रेडिकेट कहलाएगा, और जहां ये स्टार्टिंग वाला नाउन फ्रेज है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। मिसाल के तौर पे द रिच ह्यूमिलिएट्स द पुअर, जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को
कि तजलील करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं। तो अब ये जो पहले वाला है ना, जो सब्जेक्ट है, ये है नाउन फ्रेज। इसके बाद वाला जो पार्ट है ये प्रेडिकेट कहलाएगा। ये जो बाद वाला ये प्रेडिकेट कहलाएगा, और ये जो पहले वाला है दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो ये है। अब ये दा क्या चीज है, रिच क्या चीज है, यहां पे मैं लिखता हूं आर्टिकल, उसके बाद मैं लिखता हूं नाउन, उसके बाद मैं लिखता हूं वर्ब, उसके बाद मैं लिखता हूं आर्टिकल, उसके बाद मैं लिखता हूं नाउन, और उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं सेंटेंस। और ये सेंटेंस के अंदर ये वाला जो पार्ट है शुरू वाला, जिसको मैंने कह दिया एनपी, और उसके बाद ये जो बाद वाला पार्ट है जिसको मैंने कह दिया वीपी, और ये हमारा एक ट्री बन जाता है। अब मैं चाहूं तो इसको इसको मैं अगर इफ आई वांट, तो एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन फ्रेज आ गया, एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब फ्रेज आ गया, एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन फ्रेज के अंदर आर्टिकल, और नाउन फ्रेज के अंदर हमारे पास नाउन, और वर्ब फ्रेज के अंदर हमारे पास वर्ब। वर्ब के अंदर, इसमें वर्ब फ्रेज में आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे दोबारा से एक इस जगह पे एनपी होगा, ठीक है, और यहां पे यू विल सी ये वर्ब फ्रेज के अंदर दोबारा एनपी आया, और एनपी के अंदर वही चीजें दोबारा आर्टिकल और नाउन। ये नाउन फ्रेज के अंदर आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, ये चीजें होती हैं। और उसके बाद फिर यहां पे मैं आर्टिकल दा था और नाउन हमारे पास रिच, और ये वर्ब जो है हमारे पास ये ह्यूमिलिएट, और आर्टिकल जो सा दोबारा ये आ गया, और ये। इसके अलावा प्रेपोजिशनल फ्रेज और भी कुछ चीजें होती हैं छोटी छोटी, लेकिन ये कि मैं हम उसको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद आपको, मैंने फॉर्मेशन पढ़ानी है सेंटेंसेस की, और 20 दिनों के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करना है। इतना समझ लेना आप लोगों के लिए काफी है। आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, और उसको आगे हम ट्री हर सेंटेंस का बना सकते हैं, चाहे जितना मर्जी लंबा सेंटेंस हो उसका ट्री डायग्राम बन जाता है। सर ये जरा कोऑर्डिनेटेड कंजेशन और सबऑर्डिनेटेड आपने जो बात की थी उसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। लेक्चर नंबर 3 आज लेक्चर है, कल लेक्चर है, उससे अगला लेक्चर, यानी आज लेक्चर 4 है, 5, 6, लेक्चर नंबर 6 में पूरी डिस्कशन ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पे और कंपाउंड सेंटेंसेस पे होगी। ओके सर, ये प्रेडिकेट बेसिकली सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होता है नॉर्मली, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही? हाँ, ऐसे ही है, उसका नेक्स्ट पार्ट होता है ना सेंटेंस का। सेंटेंस के दो पार्ट है, एक सब्जेक्ट पार्ट है, एक प्रेडिकेट। ओके सर, ये प्रेडिकेट को हम एक्शन पार्ट भी कह सकते हैं? हाँ जी, एक्शन पार्ट कह लें, कुछ भी कह लें, हमें आपको लिखना आना चाहिए बस सही तरीके से। मिसाल के तौर पे अब मुझे, मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूं कि यहां पे फरहान साहब आप मुझे बताएं कि ये जो वर्ड है वॉल्यूम, ये नाउन है, वर्ब, एडवर्ब है, क्या है? अच्छा चले, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे देखिए जरा, उसको छोड़े, मैंने लिखा द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ठीक है, उसके आगे आ जाएगा प्रेडिकेट सब्जेक्ट पार्ट, सॉरी
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट आ जाता है, उसको मैं जिक्र ही नहीं करता, ये नाउन फ्रेज है। ये क्या एनपी? अब मुझे बताते जाएं आप, ये क्या चीज है सबसे पहले? जी दा क्या चीज आर्टिकल है सर? ये आर्टिकल, आर्टिकल जी आर्टिकल है। उसके बाद वॉल्यूम क्या है? उसके बाद नाउन क्या है? आर्टिकल के फौरन बाद नाउन होने हैं। अभी नाउन है ट्रेड, तजारत नाउन है, और ये है एडजेक्टिव। ठीक है, बस आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, किस चीज का वॉल्यूम, ट्रेड का वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद जो भी सेंटेंस है वो, और ये तीन कॉम्बिनेशन इकट्ठे आएंगे कभी भी, मतलब ये देखें कि ये साथ साथ होंगे, आर्टिकल लाजमी होगा इसके साथ। अच्छा जी, चीप लेबर, सर ये इधर ऑफ कंजंक्शन नहीं होगा? ऑफ कंजंक्शन नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, ये जो है ना प्रेपोजिशन है। अच्छा जी, ये है जी चीप लेबर। जी गुरजीत, इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और नाउन कौन सा? चीप है एडजेक्टिव है और लेबर नाउन है। ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पे लेबर नाउन है, चीप एडजेक्टिव है, और यहां पे डैश लगा हुआ है, और ये जगह खाली पड़ी है आर्टिकल की, यहां पे हम लगाएंगे जीरो। उसकी वजह है, वजह क्या है वो लेक्चर नंबर 7 में पता लगेगी, 7, 8 या 9 में, जब हम आर्टिकल के ऊपर 1 घंटा बहस करेंगे। यहाँ पे तो ए लगेगा या एन लगेगा या दा लगेगा या जीरो लगेगा। अब चीप से पहले कोई आर्टिकल ना होना, जीरो का मतलब है कोई नहीं, यानी ए एन दा का ना होना, इसकी कोई रीजन है, वो रीजन क्या है? वो रीजन पुराने स्टूडेंट्स को पता होगी, आप लोगों को। डॉक्टर नेता क्या रीजन है? जी डॉक्टर नेता प्लीज टेल मी व्हाट इज द रीजन आई एम नॉट राइटिंग आर्टिकल बिफोर चीफ। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर निधा। अनकाउंटेबल है जी, अनकाउंटेबल है नाउन, चीप अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से इसके पीछे जीरो आर्टिकल आ रहा है। ठीक है गुड। अच्छा जी, सर ये प्रॉपर नाउन के पीछे भी आर्टिकल नहीं होता? आर्टिकल कहाँ पे नहीं होता? कोई 15-20 जगह है ऐसी जहां पे आर्टिकल नहीं होता, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया ना एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर होगा जिसपे हम आर्टिकल की बात करेंगे ना। अच्छा जी, लिखा हुआ है कंट्रीज, STILL स्टिल, उसके बाद लिखा हुआ है TRADE ट्रेड।
जी डॉक्टर फराज, कंट्रीज क्या चीज है बताएं, नाउन वर्ब एडवर्ब। जी सर क्या क्वेश्चन क्या है? कंट्रीज क्या चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से? कंट्री सर नाउन है, नाउन है। स्टिल क्या? स्टिल स्टिल ट्रेड नाउन सर स्टिल इंटेंसिव है। जी ट्रेड क्या चीज है पहले ये बताएं। ट्रेड सर बिजनेस है ना, ये वर्ब है सर, ये एडवर्ब वो स्टिल। जियोग्राफिक नेबर्स ये फिर आपके यहाँ जी प्रीपोजिशन और ये फिर नाउन आ गया। स्टिल एक एडवर्ब है, ठीक है जी। ठीक है जी, क्योंकि स्टिल बता रहा ना आगे ट्रेड के बारे में। जी ठीक है सर। और जो ली वाला आएगा डिस्प्रोपोर्शनेटली, ये आर्टिकल में हम पढ़ेंगे पोजेशन। ये सारी वो चीजें जो वहां पे लिखी आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर डेवलप करनी है फर्दर, और पता होना चाहिए कि हर वर्ड किसी भी सेंटेंस में वो क्या चीज है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये आपको पता लग गया ना तो आपका स्ट्रक्चर सीधा होना शुरू हो जाएगा, फिर आपको लॉजिक क्रिएट होना शुरू हो जाएगी माइंड में कि किस वर्ड से पीछे और आगे मैंने क्या वर्ड्स लिखने हैं, खुद ब खुद आपका वर्ड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। चलें जी, आज मजीद हम डिस्कस करते हैं आज एक आंसर डिस्कस करते हैं डिटेल में, जी। मरियम यहां पे मौजूद है, मरियम गौरी जी, मरियम गौरी आर यू देयर?
मरियम सर फराज साहब हैं कराची वाले फराज साहब को मैसेज आया था कि आज नहीं आ रहे जी मरियम गौरी भी नहीं है सरफरासा भी नहीं है अस्मा है डॉक्टर अस्मा जी फराजी आपका जी सर ये पूरा नजर नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन है कि सम पीपल थिंक दैट यूनिवर्सिटीज शुड प्रोवाइड ग्रेजुएट्स विद द नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड एट वर्क प्लेस जी सर ये मेरा सर जी अदर्स थिंक दैट द ट्रू फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज टू गिव एक्सेस फॉर देयर ओन सेक रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कोर्स इज यूजफुल टू एम्प्लॉयर्स अच्छा ये कौन सा टाइप किया ये क्वेश्चन की डिस्कशन है जी डॉक्टर साहब ये सर ये ओपिनियन है सर अच्छा चलिए इसको पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम वैसे मुझे ये लग रही है ये डिस्कशन क्वेश्चन है एनीवेज देखते हैं अब इसको Beyond any cavil, the university education drags our immediate attention because of its universality to be true. The purpose of अच्छा एक आपने opening phrase दे दी है ना start में अब अगले sentence में रहने दें ठीक है the purpose of university education in the majority of cases ठीक है ना अच्छा in most cases कर लें in most cases In the majority of cases, okay. in most cases, कॉमे दो लगा दिए ठीक है should provide knowledge to its students, which prepares them and prepare them to excel in their future life, ठीक है एंड कर दें विच की जगह पे ठीक है I strongly favor this stance. First and foremost, after finishing their university studies, अच्छा After finishing their universities, बस इतना काफी है. Most of the students enter in the job field. Most of the students are seeking employment. ठीक है. Therefore, it is vitally important that veracity studies help them in their respective fields. ये veracity क्या चीज़ है? ये veracity sir ये university के जगह पे use होता है sir. ये नहीं है एकेडमिक में नहीं आएगा अच्छा ठीक है न्यूज़पेपर में बहुत बहुत मर्तबा आता है सर वार्सिटी चलें इसको देखते हैं कि इसकी कॉलोकेशन मिस्टेक तो नहीं है अगर नहीं है तो ठीक है इट्स ऑलराइट मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम देख रहा हूं अल्मा मैटर मैंने सुना है लेकिन अल्मा मैटर तो सर वो तो उसके लिए है ना जहां से आपने एजुकेशन ली है ये पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटी के तौर पे यूज करते हैं न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आता है चलिए ठीक बाकी अच्छा जी हेल्प देम इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स थ्योरेटिकली स्पीकिंग इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डज नॉट नो अबाउट अकाउंटिंग नो कंपनी विल एक्सेप्ट हिम अच्छा तो यहां पे हम लिखें कि द चांसेस ऑफ हिज जॉब या एम्प्लॉयमेंट आर स्लिम चांसेस आर स्लिम ठीक है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं In principle, ठीक है सर पोस्ट एजुकेशनल एजुकेशन विच प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर इज क्रूशियल क्रूशियल का वर्ड अगर लिख रहे हैं तो किस चीज के लिए क्रूशियल ये बताया नहीं तो इस वर्ड को थोड़ा सा चेंज करें इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा मुझे ठीक है सर ये फोकस्ड एजुकेशन के मतलब सर लिखा है कि जो
कि वो क्रूशियल है कि अगर आपने मैं समझ जाऊं क्रूशियल का वर्ड, जरा इसको देखें फर्दर ना, माइंड इसमें बढ़ाएं कि कहां कहां पे ये अंग्रेज खुद यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम यूज कर सकेंगे। फर्दर मोर स्टूडेंट्स फैमिलीज एक्सपेक्ट दैट ही विल अर्न ब्रेड एंड बटर। अच्छा स्टूडेंट्स तो आपने प्लूरल लिख लिया ना, हाँ जी हाँ दे आना, हाँ जी दे आएगा, ठीक है जी सर। अच्छा स्टूडेंट्स फर्दर मोर स्टूडेंट्स फैमिलीज एक्सपेक्ट फॉर द फैमिली वंस दे फिनिश देयर यूनिवर्सिटी एजुकेशन व्हिच इज क्वाइट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अच्छा फर्दर मोर के बाद लिखें या फिर लिखें रियलिस्टिकली स्पीकिंग, ठीक है ना, रियलिस्टिकली स्पीकिंग डिमांडिंग अ हैंडसम सैलरी और यूटिलाइजिंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन जॉब मार्केट इज अ लिजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। ठीक है सर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ना, ये वैसे भी इसकी फॉर्मेशन आपके अपने सेंटेंसेस की भी नहीं ठीक बन रही, इसको दोबारा रिव्यू करें। टू एड्रेस दीज कंसर्न्स यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सर एक्सेल का क्या यूज है जी, एक्सेल का मीनिंग क्या है वहां पे? एक्सेल का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना। एक्सेल किस जगह एक्सीलेटर टू एड्रेस, यहाँ इस जुमले की बात करें, इसके ऊपर था एक्सेल दो बार यूज हुआ है, टू टाइम। नहीं एक तो ये ना एक्सपेक्ट, नहीं एक्सेल ऊपर में भी इंट्रो में भी हुआ था शायद। वैसे स्पेलिंग एक्सेल का मतलब होता है आगे एक बढ़ना। ओके ओके अच्छा टू एड्रेस दीज कंसर्न्स फॉर इंस्टेंस डॉक्टर फराज, ये ना फुली डेवलप नहीं है पैराग्राफ आपका, इसमें एक अच्छा ठीक है सर, डेवलप नहीं है ये, इसको जरा देखिएगा। ठीक है सर। लास्ट बट यूजुअली अननोटिस्ड फैक्टर इज दैट थॉटफुली स्टडी प्रोग्राम्स हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सेल, हाँ एक्सेल कहते हैं आगे बढ़ना, एक्सेल इन देयर रेल्म। रेल्म भी वर्बोसिटी है, रेल्म का मतलब सल्तनत होता है, यहाँ पे मेटाफोरिकल यूज, इसको भी चेंज करें। स्पेशलिटी भी तो होता है सर, इन देयर एरिया ऑफ कंसर्न, इन देयर सब्जेक्टिव डिसिप्लिन, इन देयर प्रोफेशन। ठीक है सर, ठीक। The academics of the highest level, such as professors and deans of our typical subjects, sit together to draw out a study plan. Achha. At the terminal level of education, studies even become more focused. अब इसमें आपका जो बेसिकली सेंट्रल आइडिया है वो क्या है इस पैराग्राफ में? इसका सर थॉटफुल प्रोग्राम हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सेल, यानी कि इसका है कि सर के जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन आती है तो उसमें टिपिकल एक एक सब्जेक्ट का भी जैसे सुपर स्पेशलिटी हो जाती है या एक फोकस हो जाता है केमिस्ट्री में, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई इस तरह, तो वो प्लान टर्मिनल लेवल ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट स्टडीज इवन बिकम मोर फोकस ऑन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। सेंट्रल आइडिया है कि फोकस हो गए हैं, जैसे एफएससी में ज्यादा सब्जेक्ट हैं तो फिर बीएससी में कुछ काम हो जाते हैं, फिर एमएससी और फिर उसके बाद एमफिल वगैरह में और पर्टिकुलरली स्पेसिफिक होते जाते हैं। चले उससे क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे? क्वेश्चन सर ये ना, क्वेश्चन ये है कि उसमें यूनिवर्सिटीज में हमें क्या करना चाहिए, या तो उनको पढ़ाते रहे
जो भी है, या ऐसी पढ़ाई हो जो कि आगे उनके काम आ सके, काम ये है। आएगा। तो ये तो फिर जो फोकस उसमें आप हाँ जो फोकस्ड आपका ग्रुप है, जो फोकस्ड सब्जेक्ट है, वो किस जी तरीके से सर, काम आ सकता है? वो सर फोकस ये है कि वो ऐसे मसले सर, आप बताएं सर, एडवाइस करें क्या कैसे करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि लास्ट बट यूजली अननोटिस फैक्टर इज दैट थॉटफुल स्टडी प्रोग्राम, अच्छा, दैट द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट हेल्प स्टूडेंट्स ठीक टू है एक्सेल इन देयर रेल्म, और उसके बाद ये कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स है उसको शुड बी कंसिडर्ड, इसको कुछ इस तरह बनाना चाहिए कि उसको मार्केट की वैल्यूज को देखते हुए, मार्केट में वैक्यूम को देखते हुए उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, या उस खास डिसिप्लिन के अंदर उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको देखते हुए उसकी होनी चाहिए। एक्चुअली ये जो भी है व्हाट एवर आपने सेंट्रल आइडिया डेवलप कर लिया, लेकिन अब उसको जी उसके साथ लिंक भी करना ना ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ, जी सर वो कैसे आप उसको डिफाइन कर पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, ठहरे, जी अच्छा थोड़ा सा जरा सुन लें। बाज लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज को ग्रेजुएट को जो है वो नॉलेज और स्किल्स पढ़ानी चाहिए वो वाली कि जो कि उनको आगे मार्केट में काम आनी चाहिए, ठीक है। मार्केट में जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो जो चीजें रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी को वो पढ़ानी चाहिए। दूसरे लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो ट्रू फंक्शन है वो ये है कि नॉलेज डिलीवर करना, ओनली टू सेक फॉर द रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कोर्स इज यूजफुल टू एम्प्लॉयर, बजाय इसके कि वो जो कोर्स है किसी एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है या नहीं, लेकिन उसका बेसिक जो कोर पर्पस है वो प्रोवाइड करना है आपका, कि आपको बेसिकली नॉलेज प्रोवाइड करना है, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है या नहीं। अब आपने जो लिया है, आपने स्टांस ये लिया है कि यूनिवर्सिटी जो सी है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती है कि फ्यूचर में एक्सेल कर सके। कैसे एक्सेल कर सके, एकेडमिकली एक्सेल कर सके या फाइनेंशियली एक्सेल कर सके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ना। एक्चुअली ये डिस्कशन क्वेश्चन बन रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये डिस्कशन टाइप है। अगर बीच में लाइन में जहां पे दो पॉइंट ऑफ व्यूज खुले दे दिए जाए ना वो डिस्कशन होगा, याद रखिएगा। जहां पे एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो एग्री डिसएग्री, ये ओपिनियन होगा, या फिर दो, या फिर एडवांटेज बता के कहा जाए कि ज्यादा ये काम है फिर, ठीक है, समझ आ रही है आपको। थोड़ा सा यहाँ पे ना रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में वीक वीकनेस है इस आंसर के अंदर। एनीवेज अगर हम एग्री डिसएग्री भी करते हैं तो तब भी आपको ये जो पैराग्राफ है उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे आप उसको उसके साथ मेन क्वेश्चन के साथ लेके चल रहे हैं। अगर आपने कोर्स एक सिलेक्ट कर लिया और वो जो कोर्स है उस पे डॉक्टर्स वो जो जितने भी डीन्स वगैरह हैं या जो है अलीट क्लास है आपकी यूनिवर्सिटी की, उसने करिकुलम डिजाइन करते वक्त एक प्लान किया उसको, अच्छा, जब जी वो सर जब एंड हुआ उसके बाद आपकी एजुकेशन खत्म हुई तो अब वो स्पेसिफिक पार्ट आप कह रहे हैं कि मोर फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक पार्ट, कॉन्सिक्वेंटली दीज स्टूडेंट्स कैन रीच द टॉप लेवल ऑफ, अब यानी कि बिल्कुल ये वेग है क्वेश्चन की डिमांड ठीक है के ठीक अकॉर्डिंग, हम इसको है सर उठा नहीं पा रहे, किसी जगह पे हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ड्राइविंग ठीक है सर द पॉइंट होम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ सिलेबस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज आई हैव डिस्कस्ड अबव, एजुकेशन प्लानिंग इज क्रिटिकल फॉर द स्टूडेंट्स सो दे कैन प्रोग्रेस इन लाइफ, इट इज होप दैट रिजीम्स एंड एजुकेशनिस्ट ड्रॉ, अच्छा थोड़ा सा ना क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड करके ठीक है सर जिसकी वजह से अब ये सारा इस तरीके से हो रहा है, ठीक है चले। इसको स्कोर कैसे करेंगे सर। इसको इसमें रिस्पॉन्स तो हो गया फारिग, ग्रामर ठीक है, वोकैबुलरी में भी मिस्टेक्स हैं थोड़ी थोड़ी सी,
और ग्रामर ठीक है आपकी, उसमें आपको फुल मिल जाएंगे, कोहेजन कोहेरेंस में आपको अच्छे मिल जाएंगे, दो एरियाज आपके वीक हो जाएंगे, वोकैबुलरी भी वीक हो जाएगी, रिस्पॉन्स भी वीक हो जाएगा। वोकैबुलरी बस ठीक ठीक है, है वोकैबुलरी के अंदर कुछ कुछ इनअप्रोप्रिएट चीजें हैं, बाकी आप अच्छी यूज करें, लेकिन ये कि अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पे मजीद कंसाइज किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक यानी है। अल्लाह ना करे अगर आप ऐसा पेपर में अटेम्प्ट करें तो वो पेपर गया आपके हाथ से। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी डॉक्टर नेता, ये आपका डॉक्टर नेता आई एम ऑडिबल? यस सर। बियॉन्डिंग अबाउट द ट्रेंड ऑफ, कल पेपर है आपका निदा? जी सर। तो अब मैं यहाँ पे इस वक्त आपका, मुझे नहीं लगता कि मैं आपका डिस्कशन करूँ इस वक्त आपकी, अगर इसमें से गलतियाँ ज़्यादा निकलेंगी तो आपके पेपर पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, करूँ या ना करूँ? सर पता नहीं समझ रही हूँ। खैर जरा मुझे इसको रिव्यू करने दो, जरा पढ़ लेने दो, फिर मैं कुछ सजेशंस देता हूँ आपको मैं। आपने क्या करना है कि पहले एक जनरल स्टेटमेंट लिख के ना, उसके फौरन बाद एग्री डिसएग्री करना है। सम ऑफ द पीपल, ये जो इंसान है इसको छोड़ देना है पेपर में, अगर एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन आए इसके फौरन बाद आप एग्री करके अपनी स्टेटमेंट बताएंगे किसे आप एग्री करिए या डिसएग्री करिए। ठीक है निदा, ये ज़हन में रखना है आपने। निदा आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, काफ़ी चीज़ें आपकी अच्छी हैं, बस क्वेश्चन की डिमांड को देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और आपने उसी को एड्रेस करना है, ये ज़रा ध्यान करना, रिस्पांस को देखना, डिस्कशन डिफरेंट चीज़ है और डिस्कशन के बाद जो आपका दूसरा पार्ट है एडवांटेज वाला डिफरेंट है, एग्री डिसएग्री डिफरेंट है, वोकैबुलरी और इस वक्त आपकी जो है ग्रामर वो 7.58 बैंड की डेवलप हो चुकी है। ओके थैंक यू सर। चले जी, थैंक यू सो मच। फिजान साहब आ जाए। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था सर, जैसे टास्क वन में हम सर आपने बताया था कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद ओवरव्यू की दो लाइंस लिखनी है और फिर सर की फीचर्स बताने हैं ना बस, उसके नीचे और तो समरी तो लाइक और कंक्लूजन तो नहीं लिखना ना। आपने पहले इंट्रोडक्शन लिख लेनी है, जब आपने ओवरव्यू देना वहां पे आपने ओवरऑल से स्टार्ट करना है। ठीक है, ओवरऑल जनरली इन दोनों में से स्टार्ट करें, अगर सेकंड पोजीशन पे दे रही हैं आप, या फिर अगर आप आखिर में दे रही हैं तो फिर आपने टू सम अप इन समरी ये दो वर्ड्स यूज करने हैं, या ओवरऑल भी यूज कर सकती हैं। सबसे लास्ट में अगर आप बता रही हैं समरी में है, दो तीन लाइनों की होगी, उसमें जनरल ट्रेंड बताना आपने, और जब आप ट्रेंड बताएंगी तो उसमें वैल्यूज नहीं देंगी आप। ठीक है, उसके बाद तीन चार पांच चीजों को आपने हाईलाइट कर लेना है और वो हाईलाइट करने के बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो लाजमी होगी और जहां मुनासिब समझे वहां पे कंपैरिजन कर देना है। 3 to 4 पैराग्राफ्स आप इसमें लिखेंगे, 150 वर्ड्स काउंट करने हैं, लाजमी होने चाहिए आप। ठीक है सर, ठीक है सर। जैसे कि जैसे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद ओवरव्यू लिखा, उसके बाद जो भी जहां का मेंशन करना है वो करूं और फिर उसके बाद तो समरी ना लिखूं। उसके बाद नहीं समरी लिखनी है, दफा बस समरी लिखनी है। अगर ओवरव्यू लिख दिया आपने, ओवरऑल लिख दिया, ठीक है, उसके बाद फिर आखिर में दोबारा नहीं इसको रिपीट करना। अच्छा सही है, थैंक यू सर। ठीक है जी, जी डॉक्टर रिजवान आप मौजूद हैं यहाँ पे?
सर फिजान 5 मिनट में आपका सेशन लेते हैं, बट आई वॉन्ट टू लर्न के डॉक्टर रिजवान है यहाँ पे। जी डॉक्टर रिजवान, आई एम ऑडिबल, कैन यू हियर मी? अच्छा जी, डॉक्टर रिजवान यहाँ पे मौजूद हैं लेकिन मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। एनीवेज मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद सर फिजान ही विल टेक योर सेशन। With the pressure on today's young people to perform academically, some people believe that non-academic subjects, ठीक है, should be removed from syllabus. आप agree करते हैं या disagree करते हैं? ठीक है। जी डॉक्टर रिजवान, सबसे पहले आप जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसमें लिख रहे हैं, the topic of course design for school students is getting impetus. Many hold the opinion that keeping in mind the current scenario, youngsters should teach academic subjects only. I strongly agree with this notion. ठीक है, आगे चलते हैं जी। technically speaking today people are traveling. अच्छा, technically speaking के बाद या today दे दें या वो दे दें, दोनों भी दे सकते हैं। anyways people are living in a very high pay span that is full of science and innovation. People are living with a high paced span. ये थोड़ा सा इसको रिकंसीडर करें इस वर्ड को। उसके बाद इन ऑर्डर टू कीप अप द पेस विद मोमेंटम, और पेस पेस दो दफा इस्तेमाल करें, रिपीटिशन ना करें। इट इज, अच्छा ये आप इट लगा ली, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा आएगा, यहाँ पे कोई कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे, फुल स्टॉप देके या तो नेक्स्ट बनाए या सेमी कॉलन आए, यहाँ पे ये कॉमा नहीं आएगा आपका। थियोरेटिकली थ्रेटिकली की स्पेलिंग सही करें अपने, टी कैपिटल डालें यहाँ पे। तो इंजीनियर और साइंटिस्ट भी तो साइंस स्टूडेंट्स ही होते हैं ना। फॉर द साइंस स्टूडेंट्स, थ्रेटिकली फॉर द साइंस स्टूडेंट्स हु आर फ्यूचर डॉक्टर्स, तो इंजीनियर्स ये भी तो साइंस स्टूडेंट्स ही हैं। इस पार्ट को सही करें दोबारा, ये अगर हम मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये सेंट्रल आइडिया डेवलप नहीं कर पा रहे इस पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर, क्या कहना चाह रहे हैं, फुली डेवलप नहीं है। जी रिजवान, समझ आ रही है बात? रिजवान मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आगे चलता हूँ मैं। Additionally, non-academic subjects often pose undue stress on schools, school goers ये non basically informal मुझे लग रहा है, इसको दोबारा reconsider करें students की जगह पे। That may lead to lack concentration in prime subjects. For an instance, if a student is forced to learn his जी मैं आई सजेस्ट के आप पैराग्राफ्स को फुली डेवलप करें, पैराग्राफ्स फुली डेवलप नहीं हो रहे, ना ऊपर वाला पैराग्राफ है ना ये, इसमें एक सेंट्रल आइडिया डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कोहेजन, कोहेरेंस और पैराग्राफ फॉर्मेशन के अंदर सीवियर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको आपने ठीक करना है। एक चीज लिख देते हैं लेकिन फुली डेवलप किए बगैर आप जंप कर जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर। इन करिकुलम, क्वेश्चन ये था कि आपके पास जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको शामिल किया जाए या ना किया जाए, और ये पूरे ये पैराग्राफ के अंदर
हम क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल वेक्टर जो वर्क है वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद अब ये कहते हैं कि हाईली ट्रेन टीचर्स आते हैं, ये भी समझ आ गई। फिर आप कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑल अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्लैरिफाई दैट स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन प्राइमरी सब्जेक्ट्स। अब ये आखिरी लाइन को चेंज करें, प्राइमरी की जगह कोर सब्जेक्ट्स करें, एकेडमिक सब्जेक्ट्स कर लें। ठीक है ना, प्राइमरी का वो नहीं करी, उस चीज को एड्रेस नहीं करी जो क्वेश्चन की डिमांड है, जहां पे आप इसको वो कर रहे हैं। आखिरी लाइन की वजह से आपका पूरा इसका इम्पैक्ट खराब हो रहा है पैराग्राफ का। जी ठीक है डॉक्टर रिजवान, आप नेक्स्ट टाइम ये करें कि जब एक क्वेश्चन को लिखें तो उसको आपने बस पैराग्राफ फॉर्मेशन पे जरा तवज्जो दें, और उसके बाद दोबारा से रीड करें, दोबारा से जरूर रीड करें कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि क्या वो क्वेश्चन की, यानी कि अगर मैं इसमें देखूं तो रिस्पॉन्स वीक है, कोहेजन कोहेरेंस वीक है, आपकी वोकेबलरी एवरेज है, बहुत ज्यादा हाई साउंडेड नहीं, बस ठीक है एवरेज। वोकेबलरी में 6.5 बैंड है, कोहेजन कोहेरेंस में 6.5 है, और आपका जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर 6 बैंड है, ग्रामर जोन सी है वो ठीक है उसके अंदर 7.5 है, लेकिन वो कलेक्टिवली आपका स्कोर नहीं बनेगा कि जो आपको रिक्वायर्ड है 7.58 बैंड। अच्छा सर, मैंने वो एक पिक्चर शेयर की है उसकी ना, यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसको सर देखें जरा अभी, ताकि हम यूज करें या ना करें फ्यूचर में। कौन से किस चीज के हवाले से? सर ये यूनिवर्सिटी की जगह वार्सिटी यूज कर सकते हैं या नहीं, वो मैंने भी उसको ग्रुप में शेयर किया। आपने देखता हूँ उसको। जी यूज कर सकते हैं, लेकिन ना एक सेकंड है जरा, मुझे अगर तो ये क्लिपिंग है ना, इसको बस ये देखिए, ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? अच्छा वो मैं देखता हूँ सर, ठीक है फॉर्मल है इनफॉर्मल फॉर्मल है, बस ये देखें। और ये अमेरिकन वर्ड है नहीं, वॉर्सिटी, ब्रिटिश है सर, ये ये अमेरिकन का मतलब दूसरा आ रहा है, ब्रिटिश में यूनिवर्सिटी आ रहा है। अच्छा ठीक है, बस सिर्फ ये देख लें कि ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है। जिस तरह ब्रदर की जगह ब्रो, सिस्टर की जगह जी सिस, सर, हस्बैंड की जगह हबी, ये इनफॉर्मल है ना, तो इसको नहीं हाँ हम जी हाँ जी करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी की जगह वर्सिटी क्लिपिंग है तो फिर नहीं जी यूज ठीक। करेंगे, अगर ये अलग से वर्ड है तो फिर हम यूज कर सकते हैं। चले बेटर है सर अवॉइड ही कर लें, जब आप कह रहे हैं मैंने कभी देखा ही नहीं था, और नहीं इसलिए नहीं मैंने नहीं देखी, अवॉइड ही। मैंने तो हजारों वर्ड नहीं देखे होंगे। आप एक काम करें, किसी भी न्यूज आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ लिखें यूज ऑफ वर्सिटी न्यूज आर्टिकल, वो उसकी एक दो लाइंस बस पोस्ट कर देंगे उसके अंदर। चले ठीक है, ठीक है सर, ठीक, ओके सर। ओके जी, थैंक यू सो सर मच ये सर। मैं हाँ पूछना चाह रहा हूँ पूछें। सर, ये सारे जो स्टूडेंट्स एसेज वगैरह अटैच करते हैं ये सारे सीनियर्स हैं आई थिंक ना, तो जी अभी फिलहाल तो हमें अब कुछ ऐसी जरूरत नहीं है ना अगले 10-15 दिन तक, या परेशान होने की जरूरत नहीं है इस हवाले से? नहीं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप अभी बस देखते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप भी लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ पढ़ लें पहले। थैंक यू ओके थैंक यू। जी एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर, जो आपने वैसे आप यहाँ से रीड कर रहे हैं ना, अपनी वेबसाइट से कर रहे हैं ये आप लोग नहीं उसको एक्सेस कर सकते, ये मैं ही कर सकता हूँ। जी?